क्वेश्चन थर्टी फोर प्रेडिक्ट टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस दैट इज लाइकली फॉर ऑफ़ द फॉलोइंग ए यूरेनियम मास नंबर टू हंड्रेड ट्वेंटी केस में यूजली क्या होता है कि न्यूक्लियाइड्स विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 83 एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 83, दे अंडरगो अल्फा एमिशन

नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गया मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर दैट इज 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर दैट इज 5 तो इसका अगर n/p रेशियो देखें n/p रेशियो मींस रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो ये हो जाएगा 3/5 तो इसके केस में एन बाई पी रेशियो बहुत कम है सो इट विल ट्राई टू विज इन बाई पी रेशो अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए एन बाई पी रेशियो इनक्रीज करेगा बिकॉज ऑफ विच इट मे अंडर गो पॉजिट्रॉन एमिशन और इलेक्ट्रॉन कैप्चर तो जब पॉजिट्रॉन एमिशन होता है तो क्या होता है पॉजिट्रॉन एमिशन के टाइम पे अ प्रोटॉन गेट्स कन्वर्टेड अ न्यूट्रॉन एंड अ पॉजिट्रॉन पॉजिट्रॉन मीन्स इलेक्ट्रॉन विद अ पॉजिटिव चार्ज इसको हम बीटा पार्टिकल विद पॉजिटिव चार्ज भी बोल सकते हैं सो इन दिस केस प्रोटॉन न्यूट्रॉन में चेंज हो रहा है मींस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इंक्रीजिंग एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज डिक्रीजिंग तो अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंक्रीज होगा और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिक्रीज होगा ड्यू टू पॉज़िट्रॉन एमिशन देन क्या होगा n/p रेशियो इंक्रीज होगा और इसकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी ऑल्सो अंडर गो के कैप्चर और इलेक्ट्रॉन कैप्चर तो ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या होता है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द के शेल इज कैप्चर्ड बाई द न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है न्यूक्लियस में प्रेजेंट है प्रोटोन और न्यूट्रॉन्स जब इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है फ्रॉम द के शेल तो दिस इलेक्ट्रॉन विल कंबाइन विद द प्रोटॉन एंड इट विल चेंज इन टू अ न्यूट्रॉन तो इस के कैप्चर के केस में भी A proton is changing into neutron. So proton in the denominator will decrease and neutron in the numerator will increase. So overall n by p ratio will increase. So ye hoga positron emission or ye is k capture. So in case of B, that is boron with atomic mass 8 and atomic number 5, it will undergo either. पॉजिट्रॉन एमिशन और के कैप्चर इन बोथ दिस केसेस द एन बाई पी रेशो विल इंक्रीज। नाउ इन केस ऑफ सी कॉपर एटॉमिक मास 68 एट एन एटॉमिक नंबर ट्वेंटी सी कॉपर विद एटॉमिक मास 68 एट एन एटॉमिक नंबर ट्वेंटी तो इस केस में भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर एंड दिस इज इक्वल टू 39 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएगा इक्वल टू एटॉमिक नंबर दैट इज 29 नाउ इन दिस केस में एन बाय p रेशियो विल बी हाई दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सो n बाय p रेशियो विल बी हाई और इस केस में In order to get stability, copper will undergo beta emission. Beta emission means a neutron gets converted into a proton and an electron. This electron is also known as the beta particle. So, in this case, due to the beta emission, a neutron gets converted into proton and electron. So the number of neutrons in the nucleus decreases and the number of protons increase. So number of neutrons agar decrease karega or number of protons agar increase karega, then n by p ratio will also decrease. So this copper undergoes beta emission, n by p ratio decreases and it becomes stable. And its stability increases. So in case of C, copper with atomic mass 68, atomic number 29. The kind of emission is beta emission.